पेपर थ्री क्वेश्चन नंबर 23, विच ट्रॉपिक लेवल हैज मैक्सिमम एनर्जी इन द इकोसिस्टम, मतलब कि इकोसिस्टम के अंदर कौन सा ट्रॉपिक लेवल होगा कि जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो कि पहले तो आपको यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल शो करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, तो ट्रॉपिक लेवल इज शोन एज बिलो। अभी आपको पता है कि ट्रॉपिक लेवल के अंदर आपको पता है इस तरह का एक पिरामिड होता है, उसमें अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। सो ये फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें क्या होता है, उसके अंदर होते हैं प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन होता है, प्रोड्यूसर्स। उसके बाद ये जितने भी ट्रॉपिक लेवल है वो कौन है, कंज्यूमर्स। अभी कंज्यूमर में भी यहाँ पे पहले जो आते हैं उसको प्राइमरी कहते हैं, इसको सेकेंडरी कहते हैं, और ऊपर जो है उसे हम टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कौन से ट्रॉपिक लेवल में आपके इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो एक और चीज़ आपको पता है कि जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, एनर्जी विल डिक्रीजेस। मतलब कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है, प्रोड्यूसर्स, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर्स, उससे कम एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और उससे कम एनर्जी टर्शरी कंज्यूमर्स के पास होती है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, द प्रोड्यूसर्स हैज द मैक्सिमम एनर्जी इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसके पास होती है, प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर से वो क्या है, हमारा जो पिरामिड है उसका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। सो यहाँ तक इतना आंसर आपको लिख देना है।